दोस्तों, समय क्या है, समय का निर्माण कैसे होता है? भौतिक वैज्ञानिक तथा लेखक पॉल डेविस के अनुसार समय आइंस्टाइन की अधूरी क्रांति है। समय की प्रकृति से जुड़े अनेक अनसुलझे प्रश्न है और आज हम इसके बारे में जानेंगे, जैसे कि समय क्या है, समय का निर्माण कैसे होता है, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से समय धीमा कैसे हो जाता है। तो दोस्तों, समय टाइम एक भौतिक राशि है। जब समय बीतता है तब घटनाएं घटित होती हैं तथा चलबिंदु स्थानांतरित होते हैं। इसलिए दो लगातार घटनाओं के होने अथवा किसी गतिशील बिंदु के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के अंतराल को समय कहते हैं। और अधिक देखें तो समय एक आकस्मिक अवधारणा है, वह हमारे जीवन में सतत परिवर्तित होने वाली वास्तविक घटना है। समय को समझने के लिए हमें इस सतत परिवर्तन को निर्मित करने वाली प्रक्रिया, जिससे समय के प्रवाह का भ्रम उत्पन्न होता है, उसे समझना होगा। समय गति से दृष्टिगोचर होता है और उसका मापन अन्य गति से तुलना के द्वारा होता है। सूर्योदय, सूर्यास्त, रात और दिन, बदलते मौसम, खगोलीय पिंडों की गति, यह सभी सतत परिवर्तन के प्रमाण हैं, यानी कि बदलते समय के परिणाम हैं। और उम्र रहने की प्रक्रिया भी हमारी आण्विक गति तथा प्रक्रिया भी गति का प्रभाव है और समय का ही भाग है। इसके अतिरिक्त समय की उपस्थिति का एक महत्वपूर्ण पहलू फोटान और परमाण्विक स्तर पर कणों की गति भी है। इन सब में कुछ ना कुछ गतिविधि होती रहती है और इस प्रक्रिया को ही समय कहा जा सकता है। तो दोस्तों, हम अब देखते हैं कि समय का निर्माण कैसे होता है। तो दोस्तों, समय का निर्माण गुरुत्वाकर्षण और सापेक्षता के सिद्धांतों के कारण होता है। इन सिद्धांतों के अनुसार समय गुरुत्वाकर्षण के कारण धीमा हो जाता है और सापेक्ष है, जिसका अर्थ है कि समय गति और संदर्भ के फ्रेम पर निर्भर करता है। जैसे कि सापेक्षता का सिद्धांत बताता है कि समय सापेक्ष है, इसका मतलब है कि समय गति और संदर्भ के फ्रेम पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति प्रकाश की गति के करीब यात्रा कर रहा है तो उसके लिए समय पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्ति की तुलना में धीमा चलेगा। तो दोस्तों, समय के निर्माण के लिए वैज्ञानिकों के पास अभी भी कई सवाल हैं। उदाहरण के लिए, वे नहीं जानते कि समय की शुरुआत कैसे हुई या यह कभी समाप्त हो सकता है या नहीं। हालांकि उन्होंने समय के बारे में जो कुछ भी सीखा है वह हमारी समझ को गहरा करने में मदद करता है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। तो दोस्तों, इसमें हमने यह भी देखा कि गुरुत्वाकर्षण समय को कैसे धीमा कर देता है। हालांकि प्रकाश की गति से स्पेस में ट्रैवल करने से अक्सर समय धीमा ही हो जाएगा, लेकिन प्रकाश की गति से ट्रैवल करना अभी भी संभव नहीं है, क्योंकि प्रकाश की गति से ट्रैवल करने के लिए हमें फोटॉन्स के बराबर मांस वाला कोई यंत्र बनाना पड़ेगा और फोटॉन्स मसल्स होते हैं, तो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना संभव नहीं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें।